नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीष ठाकुर। अभी आपको बता दूं कि आज सुबह से ही हमारे पास खबरें आ रही हैं कि कहीं लैंडस्लाइडिंग हो रहा है तो कहीं बादल फट रहे हैं, तो इसी तरह की घटना को लेकर हमारे पास लोग आ रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो है प्रकृति ने अपना कहर ढाया है, बरसात ने अपना कहर ढाया है। हम आपको बता दें हिमाचल प्रदेश जिला मंडी के जोगिंद्रनगर की खबरें आज आपको दे रहे हैं लगातार। सबसे पहले जो आप मकान देख रहे हैं, ये जोगिंद्रनगर की ग्राम पंचायत नेर ग्रहवासरा की कुंडनी वार्ड बस्सी के नज़दीक ये आज बादल फटा है। लगभग 11:30 बजे के तकरीबन ये बादल फटा है और दो मकानों को काफ़ी नुकसान इससे हुआ है। हम आपको बता दें कि जान का कोई किसी जान का नुकसान नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम बात करें तो आर्थिकी पे जरूर इसका असर हुआ है, क्योंकि दो घर जो है वो काफ़ी अच्छे मकान हैं, मकान थे हम कहें तो, आपको जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पक्के मकान थे और इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मलवा जो है, पत्थर जो है घर तक आ गए हैं कमरों में जो है। अगली जो खबर है हम आपको बता दें, ये लठभड़ोल क्षेत्र से आ रही है और जहां से हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत खद्दर के रोपड़ू गांव की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्ण चंद और लालचंद का ये घर है, मकान है जिसको आप देख पा रहे हैं, और जिस तरह से घर में दीवारों में जो है दरारें आ चुके हैं, कहीं जो मकान है रिहायशी मकान है, काफ़ी अच्छे मकान है, लेकिन आप देखिए किस तरह से लोग जो है तरपाल से इनको ढक रहे हैं और काफ़ी डरावना मंजर है और डर डर कर ये लोग जो है रह रहे हैं। हम आपको बता दें जिस तरह से सीधी तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता दें, खबर खास टीवी से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों की हाल और इतने बड़े बड़े मकान और जिस तरह से मकान जो है बाहर से लेकर अंदर तक पूरे हाल से फट चुके हैं, तो बहुत ही काफ़ी बड़ा नुकसान हम इसे कह सकते हैं ये हुआ है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको रोपड़। अगली जो खबर आ रही है हम आपको बता दें, ये जोगिंद्रनगर से आ रही है और जहाँ से जो है ग्राम पंचायत ब्यू के अपर अंद्रालू की खबर है, जहाँ पे दौलत राम की जो गौशाला है वहाँ पे जो है ऊपर जंगलों से जो है चीड़ के पेड़ गिरे हैं और पेड़ सीधे ही जाकर जो है उनकी गौशाला में जाके गिरते हैं, और देखिए किस तरह से नुकसान हुआ है। अगर जानमाल की बात करें तो यहाँ पे दो पशु जो थे बांधे हुए थे, जिनको जो है सुरक्षित बाहर निकाल दिया है लोगों ने काफ़ी मेहनत करके। हम आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें जो है आप ये खबर खास टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं और ये जिस तरह का नुकसान हुआ है उसका आप सीधी लाइव कवरेज जो है खबर खास टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं। कितने बड़े बड़े जो चीड़ के पेड़ है इनके यहाँ। अगली जो खबर है हमारे पास लठभड़ोल क्षेत्र से आ रही है, जहाँ पे ग्राम पंचायत बघैर रक्तल की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो है बैरू गांव की खबर है, जो भिक्कम राम है हम आपको बता दें, इनका जो ये घर है घर को खतरा बना हुआ है। भारी बरसात के कारण जो है इनका डंगा जो है वो उतर चुका है और जैसे कि प्लास्टिक के तरपाल जो है ढके गए हैं और प्रशासन और सरकार से इन्होंने गुहार लगाई है कि इस जगह का जो है निरीक्षण किया जाए और हो रहे जो खतरे को देखा जाए और इसका जो है उचित प्रबंध किया जाए और इनके मुआवजा भी इन लोगों को दिया जाए। अभी अगली खबर हमारे पास जो आ रही है हम आपको बताते हैं, जो बसाई सड़क की आ रही है, जहां की बताल देवता के पास जो है वो लैंडस्लाइडिंग हुआ है और काफी सारा मलबा जो है वो सड़क पे गिरा है और नीचे भी आया है। हम आपको बता दें कि हालांकि एजू बसाई सड़क में यही नहीं, आगे जाकर भी कोलंग के पास भी, कुट के पास भी जो है वो मलबा गिरा है और वो रोड जो है प्रभावित हुआ है, बंद हुआ है वहां से। इसमें जो है पीडब्ल्यूडी विभाग जो है उसको संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इन रोडों की भी बहाली करवाए, क्योंकि क्षेत्र के कई लोग जो है यहाँ पे अभी भी बीच में। यदि आपके पास भी है कुछ ऐसी खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर साझा करें पूरी जानकारी के साथ। खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीष ठाकुर की रिपोर्ट।